वेलकम एवरीवन, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में, जहां पे हम अगेन कुछ वेल्थ क्रिएटर कंपनियों के नतीजों पे बात करेंगे। दोस्तों, अब ये सारी कंपनियां ऑलरेडी आप लोग में से कई लोग परसों से या तो लेके बैठे हो या तो आपके हॉटलिस्ट प्लान में हो सकती है। तो नतीजे हमें दिशा बताते रहते हैं, नतीजे हमें व्यू बताते हैं कि अब हमें कहां पे एग्रेसिव होना है, कहां पे हम हमारे वेटेज को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं कंसीडरिंग करंट रिजल्ट, कहां पे वेटेज को घटाने की नौबत आई है जो मुश्किल से कुछ समय पे आती भी है। तो नतीजे देखने की सीरीज में दोस्तों, पिछले एक महीने से आप लोगों ने करीबन ऑलरेडी 35 कंपनीज के रिजल्ट देख चुके हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए क्या है, तो जो लोगों ने नतीजों के रिजल्ट बनाए हैं, हम उन लोगों से चर्चा करेंगे। ये नतीजे दोस्तों मैंने नहीं बनाए, ये नतीजे आपके लिए लाए हैं कुछ स्टूडेंट। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर मिलिंद बिड़वे फ्रॉम पुणे, जिन्होंने बाकी स्टूडेंट की टीम के साथ मिलकर पूरे ये एपिसोड आप लोगों के लिए दोस्तों तैयार किए। हम सेकंड लास्ट एपिसोड में है, मैं आपको बता दूं, अब सिर्फ अगले संडे एक मीटिंग रहेगा, राइट? सो मिलिंद भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू पीयूष सर। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर मिलिंद बिड़वे प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से बात कर रहा हूँ। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, वो बेहतरीन प्रेजेंटेशन इसलिए है कि इसमें कुछ इमर्जिंग कंपनियां है, लोगों के जो क्वेश्चंस काफी सारे रहते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का क्या फ्यूचर रहेगा, तो उसमें अमर राजा बैटरी की बात होगी जिसपे काफी सारे इन्वेस्टर्स का फोकस है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी जिसमें श्री सीमेंट की बात चल रही है, और फाइनेंसेस में अगेन हम देखेंगे कि कैम्स एंड स्टेट बैंक की बात होगी, और डॉक्टर जेड लालपत लैब पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो प्रेजेंटेशन है उससे शुरू करने से पहले मैं वॉरेन बफेट जी का एक कोट है जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी आज, तो वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो जैसे हम प्रॉफिट फ्रॉम इट में सीखते हैं, जैसे सर ने हमारा बेस पूरा बनाया है फंडामेंटल्स एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का भी आल्सो, तो वॉरेन बफेट जी का कहना है कि कंपनी शुड बी व्यूड एज अनफोल्डिंग मूवी नॉट एज अ स्टिल पिक्चर। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? बहुत बार मुझे बहुत से इन्वेस्टर की क्वेरी आती है कि प्रॉफिट फ्रॉम इट की मेथड क्या है, किस तरीके से आप एनालिसिस करते हो, ये स्टूडेंट इतने कम पीरियड में इतने बेहतरीन डाटा एनालिसिस कैसे कर पाते हैं। तो ये कोट जो है, ये हमारा पूरा बेस है। जैसा ही इन्होंने बताया है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे अभी एक, तो अगर हम देखेंगे कि जैसे वॉरेन बफेट ने बताया है कि किसी कंपनी को स्टडी करना है आपको, तो उसे हम एक मूवी की तरह देखें। तो आइए मैं इंडियन कंटेस्ट में आपके लिए एक एग्जांपल पेश करता हूँ। आपने दोस्तों गुरु मूवी तो देखी रहेगी, जो धीरूभाई अंबानी के ऊपर ही है एंड रिलायंस के ऊपर ही है। तो जैसे भी कोई प्रमोटर है, छोटा सा बिजनेसमैन है, वो गांव से आता है मुंबई में या कहीं से भी एक अच्छा बिजनेस लेके स्टार्ट करता है, फिर उसकी कंपनी धीरे धीरे ग्रो होती है, वो बीएससी पे लिस्टेड होती है, बीएससी के लिस्टेड होने के बाद हम जैसे इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और एक हम ख्वाब देखते हैं कि ये जो प्रमोटर है वो ऑनेस्ट रहेगा और उसने अच्छे तरीके से खुद की कंपनी ग्रो की है, तो वो हमारी भी वेल्थ ग्रो करेगा। जैसे हमने गुरु मूवी में देखा कि धीरूभाई जी ने शुरू से बहुत तकलीफें सहन करके एक रिलायंस को आज इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी बना ली है। तो दोस्तों, हम जो एनालिसिस करते हैं वो कोई अलग नहीं है। जैसा ऊपर की स्टोरी में मैंने वॉरेन बफेट से बफेट का जो स्टेटमेंट था हमारा, तो उसी तरीके से हमने देखा है कि हम जो कंपनियों का स्टडी करते हैं उसमें हम कंपनी का कोई पिछला डाटा नहीं देखते। बहुत से बार सिर्फ पिछला डाटा नहीं देखते, बहुत बार लोगों की क्वेरी होती है कि आप 20-25 साल का पुराना डाटा बताते हो, ये तो हो चुका, आगे होगा क्या? तो आगे डेफिनेटली होगा, क्योंकि अनफोल्डिंग मूवी रहती है, लोगों के कैरेक्टर सडनली चेंज नहीं होते। धीरूभाई ने अगर शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लास्ट में खराब परफॉर्मेंस दिया। तो ये कंसिस्टेंसी हर एक पर्सनैलिटी की रहती है, हर एक कंपनी में प्रमोटर की पर्सनैलिटी झलक जाती है। तो ये जो स्टडी है, इसमें हम डाटा स्टडी भी करते हैं, और जो वॉरेन बफेट ने बताया कि कंपनी को हमें स्टैटिक नहीं देखना चाहिए, तो दोस्तों हम भी हर क्वार्टर में कंपनी का रिव्यू लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं कि भाई आपके सेल्स कैसे रहे, आपके प्रॉफिट कैसे रहे, आपने जो बोला था एनुअल रिपोर्ट में वो कमिटमेंट आपकी जो थी वो आपने पूरी की क्या। तो ये सब जो डाटा है वो हमें एनुअल रिपोर्ट से मिलता है। तो खैर दोस्तों, ये सब चीजें हुई हमारी मेथड की, हम कैसे ये करते हैं।
तो दूसरी और एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा कि आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें ओरिजिनल ये प्रेजेंटेशन आशिम किर्तुनिया जी की टीम का था, जो टीचर थे इस टीम के, बट ड्यू टू सम रीजंस वो ज्वाइन नहीं कर पाए उनकी एक इमरजेंसी की वजह से। तो आज का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रशांत खरे जी के गाइडेंस के अंडर हुआ है। तो लेट मी वेलकम प्रशांत खरे जी। प्रशांत खरे जी एक पैशनेट इन्वेस्टर है इंदौर के, वो मार्केटिंग में मल्टीनेशनल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में। लास्ट 2 सालों से वो प्रॉफिट फ्रॉम इट से जुड़े हैं और उनका 2 साल का जो मेहनत है लेकिन जो उस मेहनत को एक जो डायरेक्शन मिली है प्रॉफिट फ्रॉम इट की वजह से, उसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में बेहतरीन चेंजेस आ चुके हैं। तो और एक स्टूडेंट से लेके उनकी जो जर्नी रही है वो काफी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट की एक खूबी है दोस्तों, ये एक फैमिली है। समझो आज आशिम किर्तुनिया जी को जो भी तकलीफ आई थी या इमरजेंसी में वो नहीं अटेंड कर पाए, तो एज अ टीम एज अ फैमिली दूसरा बंदा वहां आके रिप्लेस करता है और स्टूडेंट को गाइड करता है। तो आज कोरोना के टाइम में भी देखेंगे कि हम इतनी सारी बहुत सारी मुश्किलें थी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, बाकी के बहुत से लोगों को वर्क फ्रॉम होम था, कुछ लोगों के बाकी के भी इश्यूज चल रहे थे अलग अलग फैमिली फ्रंट पे, जॉब के फ्रंट पे, तो ये बहुत मुश्किल टाइम था। इस मुश्किल टाइम में भी इतना सारा अच्छा रिसर्च ये लोग क्यों कर पाए, क्योंकि एक फैमिली है, एक एनवायरमेंट रहता है। अगर आप अच्छे लोगों के या आप इन्वेस्टर कम्युनिटी के कॉन्टेक्ट में रहोगे तो नेचुरली आपकी साइकिल अपने आप चालू हो जाती है, आप एक फ्लो में रहते हो, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देन अगेन दोस्तों मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो हमारी सभी हैबिट्स है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट मेथड है, फिलोसॉफी है, उसके पीछे हमारे पीयूष सर है। पीयूष सर की गाइडेंस की वजह से हमारी पूरी फिलोसॉफी चेंज हो गई। मैं अगर खुद का भी एग्जांपल दूं तो प्रीवियसली हम जिस तरीके से स्टडी कर रहे थे और आज हम जिस फास्टेस्ट तरीके से आसानी से स्टडी कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉफिट फ्रॉम इट का बहुत बड़ा हाथ है। अगर दोस्तों वॉरेन बफेट का भी कहना है कि अगर कम से कम उम्र में अगर आप अच्छी हैबिट्स डाल दो तो आपकी वो हैबिट्स आपका पूरा लाइफ चेंज कर देती है। तो प्रॉफिट फ्रॉम इट की वजह से हमें बहुत कुछ अच्छी हैबिट्स हो गई है हमारी। तो हम एनुअल रिपोर्ट्स अच्छा देखते हैं, किसी भी कंपनी को हम एक मूवी की तरह देखते हैं कि प्रमोटर ने कहाँ से स्टार्ट की थी, उसका एनुअल रिपोर्ट 10-10 साल का पढ़ते हैं, उसका डाटा स्टडी करते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी मांगते हैं, मैनेजमेंट भी डिस्कशन भी पढ़ते हैं। तो ये बेहतरीन प्रोसेस के लिए मैं पीयूष सर को थैंक यू करना चाहूंगा एंड मैं पीयूष सर को बोलूंगा कि वो कुछ गाइडेंस हमें फर्दर करें। क्या मिलिंद भाई, अभी जो चीज के लिए आज हम मिले हैं सब लोग उसकी हम शुरुआत करेंगे। मैं जरूर जानता हूं कि इसमें आप लोगों को तकलीफ भी हुई है, राइट, कि कितना पूरा समय बीच में चालू हुआ कोरोना का, कि जिसमें हम सब लोग भी बिजी हो गए थे अपने अपने काम में, पर फिर भी आप लोगों ने हर संडे ये कंटिन्यूटी रखी और एक भी कंपनी एज पर प्लान मिस नहीं हुई। इनफैक्ट कुछ हमारे प्लानिंग के बाहर रिजल्ट आ गए मिलिंद भाई, जैसे L&T का नतीजा आया था, दैट वाज नॉट प्लान्ड एज पर अवर डेट, पर कई कंपनियों के नतीजे जो उन्होंने दिए जो अपने प्लानिंग में नहीं थे फिर भी आपने कवर किया, तो ये सब कैसे हो गया मिलिंद भाई? सर ये जैसे मैं जानता हूँ आशिम भाई बिजी हो गए ना थोड़ा, इसके बारे में मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा एक हार्डली एक 30 seconds में। एज अ फैमिली जैसे भी हम देखते हैं कि एज अ फैमिली हम काम करते हैं या ग्रुप में काम करते हैं सर, तो कोई शॉर्ट नहीं होता है। जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि आशिम जी कुछ अर्जेंट वजह से काम नहीं कर पाएंगे, इमीडिएटली प्रशांत जी खरे सामने आ गए। बहुत बार ऐसा भी होता था कि आपने डायरेक्टली फोन कर दिया कि अरे ये कंपनी का रिजल्ट 2 दिन के बाद अनाउंस होने वाला है, तो हमने सडनली बैठ के स्टूडेंट ने कंपनी एनालिसिस कर दी। लोग खुद होके आगे बोलने लगे कि मिलिंद भाई ये मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने बेचारों ने रात को 1:30 बजे तक बैठ के पूरी मेहनत की है। सो ये टीम वर्क का, और मुझे भी ऑनेस्टली बोलता है मैं आज मोटिवेटेड क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पीछे टीम है। मुझे पता है कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं पीयूष सर से बात कर सकता हूँ, प्रॉफिट पेमेंट से बात कर सकता हूँ। मुझे जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ क्या होता है सर कि सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होता है, एक कंटिन्यूस एजुकेशन की प्रोसेस रहती है। और एजुकेशन की प्रोसेस के साथ आपके साथ जो सेम थिंकिंग वाले लोग रहेंगे तो बहुत मजा आता है। तो वी आर एंजॉइंग ड्यू टू प्रॉफिट फ्रॉम इट फ्रॉम फैमिली की वजह से, और इस तरीके से हमारा फैमिली भी बढ़ रहा है एंड पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। देखो अभी ये जून में नया बैच भी चालू होगा तो फैमिली तो आपका बढ़ता ही रहता है। यस सर, ये जो जून है मिलिंद भाई, जैसे 2 महीने से हमने नया बैच लॉन्च नहीं किया हुआ है, जनवरी बैच इज टुवर्ड द क्लोजिंग, पर जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग जैसा कुछ नहीं है। अब जनवरी बैच के स्टूडेंट
डिग्री के साथ अब आने वाले हैं, तो वो लोगों की शाइन अब होने वाली है क्योंकि वो एक इन्वेस्टर वर्ग में आएंगे और अब वो लोग भी प्रेजेंट करेंगे। तो देखो आपके लिए जनवरी की कई बैच में से कई स्टार निकल के आए हैं, अगली बार वो सब लोग आपके साथ होंगे। और जून बैच जो हम चालू करने वाले मिलिंद भाई, ये 9 तारीख से है, तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा 5 तारीख के बाद हम बुकिंग नहीं ले पाएंगे। देखो हमारे यहाँ पे पूरा फैमिली जैसा जब माहौल है तो बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मेरा रह गया था बुकिंग, प्लीज मुझे आधे से ज्वाइन करो, हमें सॉरी कहना पड़ता है, राइट। तो अगेन ये बैच चालू होने के बाद 2 महीना कोई नई बैच चालू नहीं होगी और 5 तारीख के बाद वी विल नॉट एबल टू टेक एनी न्यू बुकिंग, क्योंकि एक प्रोसेस है, आधे से आएंगे आपका क्लासेस आधा चला जाएगा, सो वी विल नॉट एंटरटेन इट, राइट। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टर के फीडबैक आते गए, स्टूडेंट के फीडबैक आ गए, तो हमने पूरा पूरा कोर्स एक्सटेंसिव करके 4 महीने का रख दिया। और 4 महीने के कोर्स में हमने ये देखा कि शुरू में जो बंदा आता है, जो जिसको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, वहां से लेके वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो जाए, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो ये 4 मंथ का प्रोसेस जो है वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो मैं सभी इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर फायदा लें, और ये मेरी गारंटी है और पूरी प्रॉफिट फैमिली के, आप अगर ये कोर्स में इन्वॉल्व होते हो तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका ये पहला कदम रहेगा। सो थैंक यू सो मच। एंड आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करने के लिए तो मैं प्रशांत खरे जी को बुलाना चाहूंगा। सो थैंक यू मिलिंद सर फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं वापस इस सीरीज के अंदर, एनुअल रिजल्ट 2021 के कुछ मल्टीबैगर्स और वेल्थ क्रिएटर जेम स्टॉक, जिनके बारे में आपने पिछले हफ्ते भी सुना है, और आज हम और कुछ नई कंपनी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पर हम प्रेजेंटेशन आरंभ करें उसके पहले हमारे विजय सर ने एज यूजुअल कुछ पंक्तियां भेजी। अब मैं उन्हें पंक्तियां नहीं बोलूंगा, अब वो स्टॉक शायरी आप उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर कुछ मैसेजेस छिपे रहते हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए समझिए। तो चलिए मैं विजय सर, जो हमारे दिल्ली को बिलोंग करते हैं, मिस्टर विजय चौधरी सर, उनकी लिखी हुई शायरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उनका कहना यह है कि जो करे स्टॉक की एनालिसिस हर बार, जो करे स्टॉक की एनालिसिस हर बार, उसके ही पोर्टफोलियो में मिलेगी अच्छे स्टॉक्स की बहार, उसके ही पोर्टफोलियो में मिलेगी अच्छे स्टॉक्स की बहार। जो टिप्स पर निवेश करे उसका पोर्टफोलियो होवे कंगाल, जो टिप्स पर निवेश करे उसका पोर्टफोलियो होवे कंगाल, एनालिसिस कर निवेश करे तो ही होवे, एनालिसिस कर निवेश करे तो ही होवे उनका पोर्टफोलियो निहाल। तो धन्यवाद विजय चौधरी सर, जो हमारे दर्शकों के लिए आपने इतनी अच्छी शायरी भेजी है, और निश्चित ही उसका वो मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और आप व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यहाँ पर जो वो कंपनियां प्रेजेंट करते हैं आपके सामने जो प्रेडिक्टेबल हो, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल कंपनियों के बारे में हम तो आपको बता ही नहीं सकते। तो आप विश्वास रखिए सब क्वालिटी कंपनीज है, और इनका हम पास में क्या बिहेवियर किया, अभी करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसके बारे में हम प्रेजेंटेशन आरंभ करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आरंभ करूं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर शेख जैद को। डॉक्टर शेख जैद जो है प्रयागराज सिटी को बिलोंग करते हैं, और पेशे से वो एक डेंटिस्ट है। इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और प्रॉफिट फ्रॉम इट्स पिछले करीबन 10 माह से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने अपना जबरदस्त डेवलपमेंट किया हुआ है। और इनकी मुख्य हॉबी है रीडिंग यानी पढ़ाई करना, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट में पिछले 2 वर्षों से वो एंगेज है। तो आई विल इनवाइट द डायनामिक स्ट्रेटेजिक डॉक्टर शेख जैद, प्लीज वेलकम डॉक्टर शेख फॉर योर प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर फॉर माय काइंड इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब एक हेल्थ केयर सर्विस को बिलोंग करती है। हेल्थ केयर सर्विसेज में कौन सी कंपनीज आते हैं फ्रेंड्स? हेल्थ केयर सर्विसेज में हर वो कंपनी जो हेल्थ केयर सर्विस को सपोर्ट करती है, जैसे डायग्नोस्टिक हो गई, डेंटल सर्विस हो गई, नर्सिंग सर्विसेज हो गई, इसलिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कोई भी सर्विसेज जो भी कंपनी प्रोवाइड करेगी वो सब इस हेल्थ केयर सर्विस में आएगी। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो हेल्थ केयर सर्विस का जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है, और जो एशिया पैसिफिक जिसमें कि हम लोग बिलोंग करते हैं
वो सेकेंड नंबर पे है, और जो सबसे छोटा है वो है अफ्रीका। तो इस सेक्टर को कौन सी चीजें हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगी? तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो इस सेक्टर को आगे बढ़ाने वाली है, जो इस सेक्टर का डिमांड बनाने वाली है, वो है हमारी एजिंग, हमारे जो उम्र हो रही है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ रही है। वो जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ती है, हमारे में क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे अंदर जो बाकी नई नई जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। उसके निदान के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छे से बताने के लिए ये हेल्थ केयर सर्विस ही काम आती है। अगर हम इसमें देखें कि अगर इंडिया में ही हम देख लें, इंडिया में जो हमारे हेल्थ केयर है उसपे गवर्नमेंट भी अपना जीडीपी का तकरीबन 1.6% हिस्सा खर्च करती है। मगर फ्रेंड्स, अगर हम इसको भी देखें किसी डेवलप्ड कंट्री से, जैसे यूएसए से, यूएसए में हेल्थ केयर सर्विसेज पे तकरीबन 17% जीडीपी का खर्च होता है। तो मतलब अभी हम काफी पीछे हैं। अभी हमारे गवर्नमेंट भी, हम लोग जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, हमारा भी हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी। अगर हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इस तरह की इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। चलिए लिस्टेड इंडस्ट्री की बात करें, लिस्टेड कंपनीज की बात करें जो हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री में टोटल 25 कंपनियां लिस्टेड है। इन 25 कंपनियों का कुल मार्केट कैप तकरीबन 52,000 करोड़ का मोस्ट ऑफ द हिस्सा, 52,000 करोड़ मार्केट कैप का मोस्ट ऑफ द हिस्सा लाल पैथला 44% ले जाता है। अगर हम यहीं पे इस पूरे लिस्टेड कंपनीज की सेल्स की बात करें तो लिस्टेड कंपनीज का सेल्स तकरीबन 1500 करोड़ का है। इस 1500 करोड़ का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा एस्ट्रा डीएम ले जाता है, और सेकेंड नंबर पे आता है लाल पैथला। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है टोटल सेक्टर के, इस लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट का, वो मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा ले जाता है एस्ट्रा डीएम, और यहाँ पे भी लाल पैथला सेकंड नंबर पे आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा, सेल्स का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा और प्रॉफिट का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा ले जाता है एस्ट्रा डीएम, और लाल पैथला सेकंड नंबर पे है। तो अगर हम इसको और आगे फिल्टर करें तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? की किसी भी रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट कर रही है उसका कितना परसेंट हिस्सा अपने आप को प्रॉफिट के रूप में ले जा रही है। तो यहाँ पे हमें लाल पैथ लैब की क्वालिटी मालूम पड़ती है कि ये 19% अपने रेवेन्यू का प्रॉफिट कर रही है, और यहीं पे एस्ट्रा डीएम लाल पैथ से पीछे चली जाती है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि थायरो केयर का भी एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है 20% का। तो अगर हम इसको आगे फिल्टर करें, आगे फिल्टर में हमारे पास एक फिल्टर होता है आईसीआर का। आईसीआर मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मीन्स कि कोई भी कंपनी अपने लीज लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का कितना गुना प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे भी हम देखें कि बेस्ट थायरो केयर के पास है 70 गुना ज्यादा प्रॉफिट किया उसने अपने लायबिलिटीज का। वहीं पे अगर हम लाल पैथ को देखें, वो भी 21 गुना है। 21 गुना भी कोई बहुत खराब आईसीआर नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारी टॉप थी वो एस्ट्रा डीएम, उसका आईसीआर एक ही है, जो कि कंपैरेटिवली काफी कम। ठीक है, तो अब हम इसके अगला फिल्टर लगाते हैं जो कि है डेप्ट टू इक्विटी, मीन्स कि कोई भी कंपनी का डेप्ट उसकी इक्विटी, टोटल इक्विटी के मुकाबले कितना गुना है। तो यहाँ पे एस्ट्रा डीएम, लाल पैथला और मेट्रोपोलिस, ये तीन डेप्ट फ्री कंपनी है, बट थायरो केयर पे थोड़ा सा डेप्ट है। तो जो अच्छी कंपनी थी उसमें थायरो केयर थोड़ा सा लाल पैथला से पीछे चली जाती है क्योंकि उसमें थोड़ा डेप्ट है। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो आगे आरओपीई, मीन्स जिस रुपए को लगाकर इन्वेस्टर्स ने ये कंपनी स्टार्ट की थी उससे कितना गुना ज्यादा वो प्रॉफिट करी है इस साल, उसका रिटर्न ऑन पेड इक्विटी हम देखें तो बेस्ट मेट्रोपोलिस का है, बट लाल पैथ लैब का भी चार बहुत खराब नहीं है। इसी तरह हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स जो इसके किसी कंपनी के पास टोटल इक्विटी होती है उसका कितना परसेंट उसने प्रॉफिट किया, तो लाल पैथ लैब का 24% प्रॉफिट हुआ है। फाइन, तो चलिए हम लोग लाल पैथ लैब को आगे कुछ डिटेल में देखते हैं। लाल पैथ लैब 1949 में लेट डॉक्टर एस के लाल ने दिल्ली में शुरू किया था, एंड तब से लेके अभी तक आज इस कंपनी के पास 231 क्लिनिकल लैब्स हैं, तकरीबन 3,500 पेशेंट सर्विस सेंटर्स हैं और तकरीबन 9,000 पिकअप पॉइंट्स हैं। तो ये बताता है कि एक छोटी सी कंपनी जो स्टार्ट की थी डॉक्टर एस के लाल ने,
आज वो कितनी बड़ी बन चुकी है और अभी इसका स्कोप कितना बाकी है आने वाले समय पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर इसका हिस्टोरिकल बिहेवियर देखें तो जो इसने 2015 से लेकर अभी तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, पिछले 6 सालों में तकरीबन 16% के CAGR से अपना रेवेन्यू 2.5 गुना कर लिया। यहीं पर अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट भी इसने पिछले 6 सालों में तकरीबन 3 गुना कर लिया 21% के CAGR से। और जो ये अच्छा प्रॉफिट कर रही है, इसका इफेक्ट हमारे पास कहाँ जा रहा है, इसके रिजर्व पे। तो अगर हम इसका रिजर्व देखें तो रिजर्व भी पिछले 6 सालों में तकरीबन 4.5 गुना हो गया है 28% के CAGR से। तो ये जो अच्छा प्रॉफिट, अच्छा सेल्स, इसका इफेक्ट कहाँ आता है हम लोगों पे? तो एज अ इन्वेस्टर हम लोगों पे क्या इफेक्ट आता है कि अगर इसी कंपनी पे हमने 6 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज तकरीबन 4.25 लाख रुपए होते, और साथ के साथ में हमको हर साल डिविडेंड भी मिलता रहता। ये एक अच्छी कंपनी की क्वालिटी है। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हम एक बार ये तो देख लें कि हमारे साथ में और कौन कौन लोग हैं बड़े इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी से जुड़े हुए। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के बाद में सबसे बड़ी होल्डिंग होती है FII की और FPIC की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। और हम यहाँ पे इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं कि अगर हम 2015 से अभी का डेटा कंपेयर करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 6% से होल्डिंग बढ़ा के 26% कर ली है। मींस उनको हमारी इंडियन कंपनी पे कितना भरोसा है। और वहीं पर अगर हम अपने रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो 31% थे वो घट के 12% रह गए। बिकॉज हम लोग प्रॉफिट बुकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग वेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते। तो इसी से हमको ये एक सीख मिलनी चाहिए कि जो भी हम कंपनी इन्वेस्ट करें अगर वो अच्छी है तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें ताकि उससे पूरा उसका फायदा उठा सके, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए करंट ट्रेंड पे हम देखते हैं कि इस साल इस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर कोरोना ईयर था, तकरीबन सभी कंपनीज पे उसका इफेक्ट आया। तो हमारी इस लाल पैथ लैब पे भी उसका रेवेन्यू भी 31% क्वार्टर वन के बनिस्पत गिरा था, बट सेकेंड क्वार्टर आते आते उसने रिकवर किया। जो रेवेन्यू था वो 0%, मीन्स कोई डेंट नहीं, सारा रिकवर कर लिया। यही सही हमें वो इंडिकेशन मिल गया था कि लाल पैथ लैब आगे जाके बढ़ने वाला है, क्योंकि -31 से वो 0 हो गया। अब हमने यहां से सेकेंड क्वार्टर से इंडिकेट कर लिया था कि ये आगे चल के अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। तो वही उसने 9 मंथ में किया 12%, और हमने एक्सपेक्ट किया था 9 मंथ के रिजल्ट में भी कि वो 17% तक रेवेन्यू ग्रोथ देगा, और इस साल का एंड में रिजल्ट उसने जो पोस्ट किया है वो है 19% का रेवेन्यू ग्रोथ। इसी तरह हम प्रॉफिट की बात करें तो जैसे क्वार्टर वन में तकरीबन -49%, मीन्स लास्ट ईयर क्वार्टर वन से लेकर अभी तक में तकरीबन आधा ही रेवेन्यू जनरेट किया था। क्वार्टर टू आते हुए -17%, यहां से हमें वापस एक प्रोग्रेस मिला, और 9 मंथ में इसने अपना जो डेंट था, जो उसका कमी थी, उसको 8% से इंप्रूव कर लिया। मीन्स 9 मंथ में उसने प्रॉफिट में 8% का इंप्रूवमेंट दिया। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ईयर एंड पे भी वो 18% का प्रॉफिट ग्रोथ दे, बट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर इसने 30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया, राइट फ्रेंड्स? तो यहां से इस कंपनी ने जो अभी हम लोग देख रहे हैं ईयर एंड कि 19% का रेवेन्यू ग्रोथ और 30% का प्रॉफिट ग्रोथ, इसने ये इशारा दे दिया था हमें H1 में, राइट फ्रेंड्स? तो इस करंट ट्रेंड को देखते हुए हम फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब आगे ये कंपनी क्या कर सकती है? तो फ्यूचर से हम शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेवेन्यू का 25% और प्रॉफिट का 45% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 15% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कंपनी इस तरह से प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करेगी तो आज की 1500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी 2030 आते आते तकरीबन 6000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। तकरीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 2030 आते आते 1300 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, राइट फ्रेंड्स? बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल सभी के दिल में आता है कि चलिए ये तो कोविड काल था, यहाँ पे तो कंपनी को ग्रोथ अच्छी मिली है, क्या ये ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ जो हमारे मन में है कि ये जो कंपनी को ग्रोथ मिला है वो मेनली कोविड से मिला है, कि कोरोना था इसलिए इतना अच्छा ग्रोथ मिल गया। हाँ, कोविड का थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बट अगर हम इसका क्वार्टरली जो इसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है उसको देखें तो नॉन कोविड केस और कोविड केसेस में अगर हम देखें तो नॉन कोविड केस का तकरीबन 90% रेवेन्यू जो है वो नॉन कोविड केस से आ रहा है, और सिर्फ 10% ही है जो कोविड रिलेटेड टेस्ट से इसका रिजल्ट आता है। इट मीन्स कि कोविड के रिलेशन में अगर हम इसको हटा भी दें तो भी 10% का ही फर्क पड़ेगा।
यहीं पे अगर इसके ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें, मींस कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक में अगर हम देखें तो इन्होंने नंबर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज बढ़ाई है अपनी, पेशेंट सर्विस सेंटर्स बढ़ाए हैं अपने, और पिकअप यूनिट पिकअप पॉइंट्स भी इन्होंने बढ़ाए हैं। मीन्स ये ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहा है, इसको जो इसके टेस्ट हैं जो नॉन कोविड टेस्ट है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इट मीन्स इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये सिर्फ अभी कोविड के वजह से नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये कंपनी एक्सपैंड करेगी और ये आगे हमें अच्छा ग्रोथ दे सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो फंडामेंटली अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकाले तो तकरीबन 2460 के आसपास है, राइट फ्रेंड्स। 2460 के आसपास की फंडामेंटल फेयर वैल्यू है। अगर हम इसी कंपनी को चार्ट में देखें कि मतलब ये तो फंडामेंटली सारी बात होगी, हिस्टोरिकल सब हमने देख लिया कि टेक्निकली क्या कह रही है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारा चार्ट बता रहा है कि ये कंपनी जब आईपीओ लॉन्च हुआ था वहां से लेकर अगले 4-5 साल तक एक रेंज बाउंड में रही, और जब इसने ब्रेकआउट दिया 2019 में, जब इसने ब्रेकआउट दिया तब उसके बाद जब ये कंपनी चली तो ये एक तरह से हट गई, राइट फ्रेंड्स। तो अभी जो कंपनी एक ऊंचा रैली मोड में चल रही है, तो हमारा बाइंग लेवल क्या हो सकता है, हमारा बाइंग लेवल तकरीबन 2350 का हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। और ये 2350 का बाइंग लेवल हम मल्टी ईयर रैली इस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक चीज देखना है, जो लास्ट मंथ की कैंडल हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी विक वाली बनी है, तो जब से इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया हमारा टारगेट तभी से अराउंड 3000 का हो गया था, और हम ये देख सकते हैं कि ये 3000 से ही हमको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो हो सकता है कि कंपनी कुछ रेंज बाउंड में फिर से चले, इस रेंज बाउंड में चलने के बाद में ये कंपनी फिर से फटेगी, और जब ये कंपनी फिर से फटेगी तो फिर से रैली मूव करेगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है इस कंपनी को इस रेंज में इकट्ठा कर लेने का। तो हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो 2350 का होगा, क्योंकि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, अपने सेक्टर के लीडर है, तो पोर्टफोलियो में 3% तक हम इसको रख सकते हैं, और इस कंपनी से हम मल्टी ईयर रैली की उम्मीद करेंगे, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लाल पैट प्रेजेंटेशन, ओवर टू यू सर। या थैंक यू डॉक्टर जैद सर, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए जो आपने हेल्थ केयर सेक्टर और उसकी वेल्थ क्रिएटर कंपनी डॉक्टर लालपत लैब के बारे में उसका इतिहास बताया, करंट